हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से आपके सामने एक धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ऐसे दो डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे आप इजीली कर पाओगे। बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। अगर आप सीख गए तो आज के बाद कोई भी दो डिजिट मल्टीप्लाई करना आपके लिए एक आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर सीख लीजिए कैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 23 मल्टीप्लाई बाय 33। दोस्तों अगर ये पहले नंबर में समझ में आ जाए तो वीडियो छोड़ के जाना मत, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसा नंबर लिखा हो मैंने जहां पर बहुत से डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर कोई मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये नंबर ले लेना, पर क्या करोगे, तीन लाइन इस तरह से ड्रॉ करोगे, उसके बाद पहला नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 3 का क्या होगा, 6 होगा। उसके बाद लास्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 का कितना होगा, 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद 3 को इससे मल्टीप्लाई करिए तो 3 3 का कितना होगा, 9 होगा, और 2 3 का कितना होगा, 6 होगा। और ये दो नंबर को प्लस करके यहां पर लिख लीजिए तो 9 + 6 कितना होगा, 15 होगा। इतना क्लियर हो गया। अब आपको ध्यान ही रखना है कि ये जो तीन लाइन ड्रॉ किया मैंने, इन तीन लाइन के अंदर सिंगल डिजिट नंबर होगा, डबल डिजिट नहीं होगा। डबल डिजिट होगा तो क्या होगा, आइए आपको बताता हूं। यहां पर 9 है तो यहां पर 9 लिख लेता हूं, सिंगल डिजिट है। यहां पर डबल डिजिट है तो क्या करोगे आप, ये 5 को, ये पीछे का नंबर पीछे रह जाएगा और आगे का नंबर आगे चला जाएगा, ठीक है। पीछे का नंबर पीछे रह जाएगा और आगे का नंबर आगे चला जाएगा। तो ये 1 + 6 कितना होगा, 7 होगा। तो आपका आंसर हो गया 759, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसे सम रखे हैं मैंने जिसमें आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। अब देखिए यहां पर मैं सेकंड नंबर लेके आपको समझाता हूं। सेकेंड नंबर में क्या है दोस्तों, देखिए यहां पर 14 मल्टीप्लाई बाय 24। अब फिर से मैं बताने जा रहा हूं आपको, तीन लाइन ऐसे ड्रॉ करना है, फिर क्या करना है, पहला नंबर से पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 2 का कितना होगा, 2 यहां पर लिख देता हूं। फिर लास्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो 4 4 का कितना होगा, 16 मैंने ऐसे लिख दिया। फिर क्या करूंगा, यहां पर 4 2 का 8 और यहां पर 1 4 का 4। अब ये दो नंबर को प्लस करके यहां पर लिख दूंगा मैं, तो 8 + 4 कितना होता है, 12 होता है, लिख दिया मैंने। अब देखिए ये दो डिजिट नंबर है, क्या करना है हमको, सिंगल डिजिट रखना है। तो ये 6 जो है यहां पर रह जाएगा और आगे का नंबर आगे चला जाएगा। तो 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा। तो यहां पर मैं 3 लिखता हूं और ये जो आगे का नंबर है और आगे चला जाएगा। तो 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अरे डाउट से याद आया, CBSE क्लास 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को अगर कोई भी सब्जेक्ट में अगर डाउट है अगर, तो आप यूज कर सकते हो एक यूनिक फीचर अनएकेडमी का, जिसका नाम है आस्क अ डाउट। उसमें क्या है दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आते अगर, तो आपको क्या करना है, उसका फोटो क्लिक करना है, क्रॉप करना है और सेंड कर देना है। इंस्टेंटली आपको HD वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों। और आप और एक चीज जीत सकते हो इसके अंदर, डाउट पूछने के साथ साथ अगर इस महीने में अप्रैल मंथ में जो मैक्सिमम डाउट पूछेगा या फिर एक दिन में सबसे ज्यादा डाउट पूछेगा, तो वो जीत सकता है IPL मर्केंडाइज जीत सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, आप जाके देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए थर्ड नंबर लेने जा रहा हूं मैं, जिसमें आपका हर एक चीज क्लियर कर दूंगा मैं। अब देखिए यहां पर मैं थर्ड नंबर लेके बताता हूं आपको। यहां पर लिखता हूं 43 मल्टीप्लाई बाय 67। अब ये कैसे करोगे, तो दोस्तों यहां पर तीन लाइन ड्रॉ करोगे। तीन लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे पहला नंबर मेरा 4 है, तो पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 6 कितना होगा, 24 होगा। तो यहां पर मैं 24 लिख दूंगा। फिर क्या करूंगा, लास्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 7 कितना होगा, 21 होगा, यहां पर लिख दिया। उसके बाद क्या करूंगा मैं, ये 3 6 18 मैंने यहां पे लिख दिया और 4 7 28 मैंने यहां पे लिख दिया। अब इन दो नंबर को प्लस कर रहा हूं, तो 8 + 8 कितना होगा, 16 होगा। यहां पर कैरी वन चला गया, 2 + 1 3 3 + 1 4, तो यहां पर 46 हो गया। तो यहां पर लिखता हूं मैं 46, इतना हो गया।
अब देखिए ये दो दो डिजिट आ गए हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये वन यहां पर लिख दिया, ये टू को यहां पर लेके आ गया, तो सिक्स प्लस टू कितना होगा, एट होगा, तो यहां पर एट लिख दिया। ये फोर जो है यहां पर आ जाएगा, तो फोर प्लस फोर कितना होगा, फोर प्लस फोर होगा आपका एट होगा, तो यहां पर मैं एट लिख लेता हूं और ये टू को मैं यहां पर लिख लेता हूं, हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है, लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सम, और हो सकता है बहुत से स्टूडेंट ट्राई करेंगे और उनका आंसर जो है रॉन्ग आ जाएगा, तो फिर कमेंट करके बोलेंगे सर आपने गलत सिखाया, इसीलिए मैं लास्ट क्वेश्चन रखा हूं। ये सम जो है बहुत इंपॉर्टेंट सम है, तो अभी देखिए मैं लास्ट सम करने जा रहा हूं मैं, क्योंकि दोस्तों जैसे आपको वादा किया है मैंने कि कोई भी दो डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई आज के वीडियो के बाद आसान हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर लिखता हूं मैं 88 मल्टीप्लाई बाय 98, फिर यहां पर तीन लाइन में ड्रॉ कर देता हूं। अब ध्यान दीजिए, पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो 89 जा कितना होगा 72, तो यहां पर लिख लिया, और ये नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो 88 जा 64 यहां पर लिख लेता हूं। उसके बाद देखिए ये 89 जा कितना होगा 72 होगा, और ये 88 जा कितना होगा 64 होगा, तो 4 प्लस 2 6 लिख लिया, 7 प्लस 6 13 लिख लिया। देखिए यही चीज समझाना था मेरे को, यहां पर देखिए तीन डिजिट आ गया, तो ऐसे नंबर भी आएंगे, तब आप क्या करोगे, तो ध्यान दीजिए जो कंसेप्ट मैंने सिखाया वही यूज करोगे। यहां पर 64 है तो यहां पर आप 4 लिखोगे, ये जो है आगे चला जाएगा, तो 6 प्लस 6 13 से कोई मतलब नहीं है, क्या है 6 प्लस 6 क्या होगा आपका, आपका होगा 12 होगा, तो 2 यहां पे लिखोगे, ये 1 यहां रखोगे। तो अब देखिए दोस्तों जो पहले सम में करवाया मैंने कि ये यहां पर सिंगल डिजिट बचता है और बाकी का पूरा उठ के यहां पर आ जाता है, तो ये पूरा के पूरा उठ के यहां पर आ जाएगा, मतलब 13 भी आ जाएगा और एक कैरी 1 जो है वो भी साथ में आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब आप बोलोगे सर यहां तो दो डिजिट आ गया, अरे ये लास्ट है, इसके आगे कोई मंजिल ही नहीं है, तो यहां पर 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 कितना होगा 6 होगा, तो यहां पर 6 लिख लेता हूं मैं, और 7 प्लस 1 कितना होगा 8, तो यहां पर 8 लिख लेता हूं, हो गया हमारा आंसर। तो ये वीडियो में मैंने पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया हूं मैंने, जिससे कोई भी दो डिजिट का मल्टीप्लाई आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो अगर ये चीज आप सीख गए हो तो आप ट्राई कर सकते हो और इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूले, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।